इजी होगी जो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। चलो ये वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। इसमें देखो क्या कर रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर, आप पोटेंशियोमीटर पढ़े होंगे कि ये जो पोटेंशियोमीटर होती है ये प्लस माइनस रियो स्टेट, और ये जो सर्किट होती है प्यारे बच्चों ये एक प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर की, और ये स्टैंडर्ड सेल है, और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये अब यहाँ से ये जो पोटेंशियोमीटर प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट अननोन ईएमएफ यहाँ रहता है, और गैल्वेनोमीटर यहाँ रहता है बैलेंसिंग लेंथ ऐसे। तो ये जो वायर है, ये जो वायर यूज हो रहा है इसका, इसकी प्रॉपर्टी दिया हुआ प्यारे बच्चों, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है, वायर ए बी, दिस प्रॉपर्टी इज गिवेन इन दिस क्वेश्चन। तो स्पेसिफिक पोटेंशियोमीटर वायर की रो की वैल्यू है 10^-7, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 10^-6। करंट इसमें फ्लो हो रहा है 0.1 एम्पियर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ ए बी वायर पर यूनिट लेंथ। दिस इज पोटेंशियल, दिस इज द वायर है, तो इस वायर की पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ही पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। कोई कोई इसको कैसे डिनोट करता है। अब अगर यहाँ से जो बैटरी है ये तो वैलेंस है, ये वैलेंस है, यहाँ से करंट आई अगर आ रही है तो करंट आई आ रही है, तो आई अपॉन लेंथ, इसकी रेजिस्टेंस ये काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं, दिया नहीं है, तो इसकी रेजिस्टेंस लेंथ एल, ठीक है। तो आई इसको ऐसे ही रहने, तो लेंथ एल, रेजिस्टेंस को रो एल अपॉन ए लिख सकते हो इस वायर के लिए, इस वायर के लिए रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए लिख सकते हो। तो यहाँ से एल ने एल को खा गया, तो आई रो अपॉन ए, तो आई की वैल्यू डाल दो यहाँ, आई की वैल्यू 0.1 है, और रजिस्टिविटी दिया हुआ है 10^-7, और ये 10^-6, तो ये आ जाएगा 10^-6, और ये 0.1 और (10^-1) मतलब 0.001 या 10^-2, बात बराबर है। तो इतनी जो है रेजिस्टेंस, इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इतना होगा, दैट इज हम लोगों का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो मैं देखो मैं बहुत मतलब बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा कोशिश ये रहता है कि कमजोर से कमजोर